बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा हुआ है कि अगर आपकी शादी हो जाएगी तो क्या आप चैनल का नाम चेंज कर दोगे? तो नहीं, मेरे चैनल का नाम जो है वही रहेगा, कहीं से भी मेरी किसी भी आईडी का नाम चेंज नहीं होगा, नेहा आशीष तिवारी नाम ही उसमें रहेगा। ये मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है और ये सभी लोगों को पता है और इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को भी, सब एग्री हैं इसमें। तो मैं कभी भी अपनी आईडी का नाम चेंज नहीं करूँगी। नाम तो कम से कम जिंदा रखा जा सकता है ना, अगर इंसान ना रहे तो कम से कम नाम को तो जिंदा रख सकते हैं, तो वो हमेशा रहेगा मेरे नाम के साथ में। बिल्कुल भी नहीं, अरेंज मैरिज है ऐसा आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं? जी नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू। डेट अभी कोई भी डेट नहीं निकाली है। हेलो फ्रेंड्स, साफ स्पीकर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करें नेहा जी के बारे में और इस वीडियो में खास जानेंगे उनकी शादी से जुड़े कुछ सवालों के बारे में जो कि उनके सब्सक्राइबर्स द्वारा पूछे गए हैं, जैसे कि उनकी शादी कब है और क्या उनकी शादी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज, और साथ ही साथ क्या उनके चैनल का नाम नेहा आशीष तिवारी से चेंज होकर नेहा सुमित महल होगा या फिर यही रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल का आंसर जो है इस वीडियो में हम करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि नेहा जी अपने चैनल पर लाइव आई थी और उन्होंने सब्सक्राइबर्स के आंसर दिए थे और उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स से वन टू वन टॉक भी की थी और बहुत ही खुश थी और बता रही थी कि ऐसे वीडियोस में तो ऐसे कमेंट कर देते हो और ऐसे लाइव आके बात करने पे ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसीलिए वो लाइव आई थी सबसे बात करने के लिए और उन्हें बहुत सारा प्यार मिला और हर जगह से लोग उनकी लाइव में जुड़े थे और उनको उनकी शादी की बधाइयाँ दे रहे थे। और लाइव में उन्होंने कुछ चीज़ों का आंसर भी किया है, जैसे कि उनकी लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। तो कहती हैं कि हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है और आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। और ये जो अरेंज मैरिज है वो ये उनकी म्यूचुअल फ्रेंड द्वारा कराई जा रही है, यानी कि उनकी म्यूचुअल फ्रेंड द्वारा ही कॉन्टैक्ट हुआ था, फिर बातें आगे बढ़ी और फिर ये डिसीजन लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि शादी कब होगी, तो उन्होंने कहा कि शादी की डेट अभी नहीं आई है और जल्दी ही आएगी। और तीसरा सवाल कि उनके चैनल का नाम चेंज होगा या फिर नहीं, और वो कहती हैं नहीं, चैनल का नाम यही रहेगा और जो है इंसान मर सकता है लेकिन उसका नाम कम से कम जिंदा रहना चाहिए और मेरे नाम के साथ आशीष जी का नाम हमेशा रहेगा। और वो कहती कि इस बात से किसी को नाराज़गी नहीं है, मैंने सबसे बात कर ली है और किसी को भी इस बात से एतराज़ नहीं है और चैनल का नाम नेहा आशीष तिवारी ही रहेगा। तो आशीष इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और इस लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार और अपना ध्यान रखें।